और अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश का खबर। जबलपुर से है, कांग्रेस नेता के भड़काऊ बोल सुनने को मिले हैं। विवादित नारे का वीडियो वायरल हुआ है। जबलपुर में हाथ पांव तोड़ो यात्रा होनी चाहिए, तो ये कांग्रेस नेता का कहना है। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दे, विवादित नारे का वीडियो भी वायरल हुआ। कांग्रेस नेता ने कहा है कि जबलपुर में हाथ पांव तोड़ो यात्रा होनी चाहिए। बता दें, नीलेश जैन जो कि कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस निकाल रही है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस नेता नीलेश जैन के इस बयान पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस नेता पर FIR की मांग की है। सुनिए इसको। जो नेता है कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष, वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ये कहते हैं कि कांग्रेस ने बहुत हाथ जोड़ लिए, बहुत हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला लिए, अब कांग्रेस अभियान चलाएगी हाथ पैर तोड़ो का अभियान। खोले मंचों से ये कह रहे हैं हाथ पैर तोड़ो यात्रा निकालेंगे, तो हम यहाँ से उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि आपके किसी भी मंसूबे को भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता साकार नहीं होने देगा। और संवाददाता वेंकटेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वेंकटेश लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे हम ज्यादा बातचीत करेंगे। वेंकटेश, कांग्रेस नेता ने एक विवादित बयान दिया जिस पर अब बीजेपी ने भी सवाल उठा दिए हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हमलावर रुख अपना रही है पूरे मामले को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष, दो एक दिन पहले ही उनकी नियुक्ति का आदेश आया था, डॉक्टर नीलेश जैन पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें ग्रामीण अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी, और आज भारत हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान उनके ये विवादित बोल सामने आए हैं। ये यात्रा जब निकाली जा रही थी, नीलेश जैन बकायदा हाथ में माइक थामे बोल रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा निकल चुकी है, हाथ जोड़ो यात्रा निकल चुकी है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकल चुकी है, अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो हाथ पैर तोड़ो यात्रा निकाली जानी चाहिए। साफ तौर पर इस तरह के विवादित बोल उनके सामने आए हैं, जिसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में शहपुरा थाने पहुंचे और घेराव करते हुए पुलिस कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए हैं और यही कहा जा रहा है कि इस मामले पर कार्रवाई की जाए, कांग्रेस नेता पर कार्रवाई की जाए। शुक्रिया वेंकटेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस नेता ने एक विवादित बयान दिया जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है और इस पर अब बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं।